दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या ने बॉलीवुड और देश में हो रही बाकी की घटनाओं के प्रति भी लोगों के देखने का नजरिया बदल दिया है। जहां एक तरफ कोविड-19 से लाखों लोगों की जान चली गई, वहीं इस कोविड-19 ने करोड़ों लोगों को घर में बिठाकर खुद के अंदर झांकने का मौका भी दिया है। लोग समझने लगे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना, भोजन करना, टीवी देखना ही लाइफ नहीं है, समाज और देश के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी है। करोड़ों लोग घर में बैठकर अब अपनी अपनी तरह से अपने समाज और देश के लिए काम करने लगे हैं। पर आज भी हमारा समाज अंग्रेजों के द्वारा उनके फायदे के लिए बनाई गई चीजों को झेल रहा है। हम हमेशा सुनते हैं, इस देश में कानून का राज है। पर अगर बीते एक साल की बात करें, जहां हम लगातार एक साल से सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि कानून का राज तो है, पर न्याय की व्यवस्था कमजोर है। क्योंकि हजारों कानून अंग्रेजों ने बनाए थे जो कि उनको फायदा पहुंचाते थे, इसलिए हमारा समाज न्याय के लिए जूझता रहता है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको दोस्तों। एक कानून है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसको अंग्रेजों ने 1914 में बनाया था। इस कानून में था कि अगर आप दारू पीकर या बिना पिए ही किसी पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और वो मर जाता है, तो हत्या गैर इरादतन मानी जाती है और जिसमें 2 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। पर अगर आप गाड़ी के बाहर निकलकर उस आदमी को मार देते हैं, तो इरादतन हत्या का आरोप लगता है और कम से कम 14 साल की जेल होनी तो तय है। अब आप सोचिए दोस्तों कि अगर आप गाड़ी से किसी को कुचलकर मार दें या निकल के मारें, दोनों ही केसेस में है तो ये हत्या ही ना। इसी का परिणाम है कि पैसे वाले लोग और बिगड़ैल बाप के बिगड़ैल बेटे लोग हर बार किसी न किसी को कुचलकर मार देते हैं और बच के निकल जाते हैं। चाहता हूँ वो ये कि इस देश में कानून का राज चल रहा है, न्याय की व्यवस्था नहीं है। और कानून मूर्खता के बने हुए हैं तो फैसले भी मूर्खता के ही हो रहे हैं इस देश। एक और उदाहरण देता हूं कानून और न्याय का। इस देश में एक कानून है, उसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। इस कानून में व्यवस्था क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति को गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डालो तो यह गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है और इसमें 2 या 3 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा होती है। और गाड़ी से उतरकर उसी आदमी को मार डालो तो इरादतन हत्या का आरोप लगता है और सजा 14 साल की होती है और फांसी लग जाती है। अब मुझे आप बताइए, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने किसी को कुचल दिया या गाड़ी से बाहर निकलकर मैंने उसको मार दिया, हत्या तो दोनों ही मैंने की है, एक हत्या में 2-3 साल की सजा और एक हत्या में 14 साल की सजा, ये कौन सा न्याय है? दुष्परिणाम जानते हैं क्या होता है? इस देश के बिगड़ैल बापों के बेटे जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो रात को अंधाधुंद शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं और उन गाड़ियों के नीचे गरीबों को कुचलकर मार डालते हैं। उनके खिलाफ अदालतों में जब आरोप तय होते हैं, मुकदमे के फैसले होते हैं, 2-3 साल की मुश्किल से सजा मिलती है और कई बार वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। एक केस अभी हमारे देश में ऐसा ही आया था, एक बिगड़ैल बाप का बेटा, उसका नाम है संजीव नंदा, उसने दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाई थी, एक झटके में 8 लोगों को मार दिया था, अदालत ने उसको छोड़ दिया था। मोटर व्हीकल एक्ट। एक दूसरा बिगड़ैल बाप का बेटा है इस देश में, उसका नाम है सलमान खान, उसने बंबई में 20 लोगों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल कर मार डाला है। छुट्टा सांड की तरह से वो इस देश में घूमता रहता है, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न्याय व्यवस्था के मुंह पर वो तमाचा मारता है। कारण क्या? मोटर व्हीकल एक्ट। जब इस कानून का इतिहास जानने की मैंने कोशिश की तो पता चला अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था अपने लिए, क्योंकि अंग्रेज मोटरें चलाया करते थे, गाड़ियां उन्हीं के पास हुआ करती थी और अक्सर उनकी मोटर के नीचे आके भारतवासी कुचल कर मर जाया करते थे, तो किसी अंग्रेज को फांसी ना लगे उसके लिए इस कानून में व्यवस्था ऐसी की गई थी। वो अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था आज भी चल रही है और काले अंग्रेजों के लिए फल और फूल रही है।
और हम भारतवासियों की छाती पर मूंग दल गए। ऐसी देश की व्यवस्था है। इसलिए मैं कहता हूं देश आजाद हुआ कहां, स्वतंत्रता आई कहां। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 34,735 कानून ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 2017 में मोटर व्हीकल एक्ट में कई बदलाव करने की कोशिश की थी, जिसमें कुचलने पर सजा को 2 साल से 7 साल तक बढ़ाने का भी प्रावधान था, पर कांग्रेस ने इसका राज्यसभा में विरोध किया था और ये लटक गया। फिर 2018 में अमेंडमेंट करते हुए काफी सारे पैसों की पेनाल्टी, इंश्योरेंसेस एक्सेट्रा का प्रावधान तो किया गया, पर सजा में बदलाव नहीं हो पाया। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो मारने वालों को आप पैसा देकर आराम से बचकर जा सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून में भी बदलाव की जरूरत है, वरना कानून का हवाला देकर ये बीइंग ह्यूमन का ढोंग करने वाले लोग औरों को तो डराएंगे पर खुद बड़े आराम से बचकर निकल जाएंगे। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अपनी आवाज उठाते रहें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। उसने बोला था कि बलात्कार होने के बाद औरतें जिस तरह से चलती है ना, मैं वैसा चलता था, एक्टिंग कर रहा था मैं। उस आदमी ने बोला था, उसका नाम है सलमान खान, उसने बोला था बलात्कार होने के बाद औरतें कैसे चलती है। अरे सलमान, तेरे को पता है किस तरह की घिनौनी भाषा यूज की थी आपने? आपने नहीं बोलूंगा मैं। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अंदर जी, आप क्या बात? बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर। अर्शद, कहाँ है सलमान खान? सलमान, एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के, रट्टा मार के? तो क्यों ना पूछूं मैं,